छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल डायोड। तो आइडियल डायोड ये होता है जो फॉरवर्ड बायस में बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं देगा। हमने देखा कि फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन की थिकनेस जो है वो बहुत कम होती है, पर फिर भी थोड़ी थोड़ी बहुत तो होती है, थिकनेस है तो रेजिस्टेंस भी है। पर आइडियल के केस में, ये है रियल केस, पर आइडियल के केस में थिकनेस है ही नहीं। तो नॉर्मल सिलिकॉन है, बढ़िया इलेक्ट्रॉन होल्स थ्रू हो पा रहे हैं, दैट मीन्स नथिंग बट इन आइडियल केस, इन आइडियल डायोड व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड, प्लीज लिख लीजिए इसको, व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड, ये रियल केस, ये आइडियल केस। फिर कैसे दिखाना चाहिए इसको, इट विल बी लाइक अ क्लोज्ड पाथ, नॉर्मल एक कॉपर वायर की तरह बिहेव करेगा ये आइडियल डायोड। नाउ व्हेन रिवर्स बायस्ड, रिवर्स बायस के केस में ये बिल्कुल भी करंट जाने नहीं देगा, ऐसे में ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा रिवर्स बायस में। और क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स बोली गई हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक कैसी बनाई जाएंगी, इन केस ऑफ आइडियल डायोड में कोई करंट नहीं होगा, देखो कहाँ बना रहा हूँ लाइन में, कोई बिल्कुल नीचे नहीं, कोई भी करंट नहीं होगा, जीरो आई और वी कैरेक्टरिस्टिक्स। और जब फॉरवर्ड बायस में आओगे, आते ही इनफाइनाइट करंट हो जाएगा, क्योंकि आपकी आई जो होती है वी बाय आर है, और आपने रेजिस्टेंस जो है बिल्कुल जीरो कर दिया, ओपन पाथ है। तो बस ध्यान रखें, छोटे मोटे एग्जाम्स में ये ग्राफ दे दिया जाता है, ये आइडियल डायोड ग्राफ होता है। कैसा है देख लो, इस तरीके से बिल्कुल करंट नहीं, ऑलमोस्ट तुरंत इनफाइनाइट करंट हो गया, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें।